दोस्तों नेटफ्लिक्स ने आज अपनी एक नई क्रिसमस मूवी को रिलीज कर दिया है। अभी दो दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने अ बॉय फॉर अ क्रिसमस मूवी रिलीज की थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, और आज एक और नई मूवी रिलीज कर दी है जिसका नाम है अ कैसल फॉर अ क्रिसमस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, तो क्या आपको इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और वेब मूवी में आपका स्वागत है, और आज की इस वीडियो में हम अ कैसल फॉर अ क्रिसमस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का नुबल जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इस फिल्म के जो मेन किरदार है वो है ब्रूक शील्ड, जो कि इस फिल्म में सोफी ब्राउन का रोल प्ले कर रही है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है वैनेसा ग्रेसी, और इस फिल्म में वैनेसा ग्रेसी लेक्सी का रोल प्ले कर रही है। दोस्तों इनके आप फैन बन जाओगे लेक्सी के, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में। दोस्तों सोफी ब्राउन एक ऑथर है जो कि काफ़ी अच्छी नॉवेल बना चुकी है, लेकिन दोस्तों उनकी एक ऐसी नॉवेल है जो कि फ्लॉप हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इस वजह से सोफी ब्राउन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और लोग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से चिढ़कर वो कहीं और जाने का प्लान बनाती है, और दोस्तों कहीं और जाने की मतलब एक आइलैंड यानी कि दोस्तों स्कॉटलैंड जाती है, और वहाँ पर मौजूद है कैसल। और दोस्तों उस कैसल से सोफी ब्राउन की काफ़ी ज़्यादा यादें भी जुड़ी होती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टची भी होती है इस कैसल से। इस कैसल को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास बात है इस फिल्म की कि ये फिल्म हमें हिंदी में देखने को मिल जाती है, और हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी दोस्तों पर्सनली मुझे, क्रिसमस की स्टोरी को देखते हुए जाए तो। मूवी की ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे की देखने को मिल जाती है। दोस्तों फिल्म में मज़ा जब आता है जब सोफी ब्राउन कैसल में पहुँच जाती है, और कैसल असलियत में दोस्तों बिकाऊ रहता है यानी कि बेचने वाला रहता है, और उसे कोई खरीद लेता है। वो खरीदते हैं दोस्तों माइल्स, जो कि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कॉमेडी भी इनके तरफ से हमें देखने को मिलती है। दोस्तों माइल्स के साथ में सोफी ब्राउन की काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली है, दोनों के बीच में कनेक्शन भी देखने को मिला जो कि आपको अच्छा लगेगा देखने में, और दोस्तों कॉमेडी के पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। वैसे फिल्म की कहानी मुझे दोस्तों, मैं इस फिल्म को 5 out of 3 stars देना चाहूँगा अगर क्रिसमस की स्टोरी को देखते हुए चले। दोस्तों यही था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चले मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।